हेलो जी, नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं हूं आशीष बी। पिछले लाइव में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और कुछ मिक्स हो गया था। मैं अपने हक की बात करना चाहता था, लेकिन वो बातें तो क्लियर हुई हुई। और आज मैं जो आज का जो लाइव है, वो मैं जो जितने भी कमेंट आए हैं उनका भी जवाब दूंगा। और सबको ये लगता था कि मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ और ऐसे बदनाम कर रहा हूँ। और कुछ लोग आए थे कि भाई, पहले तू कहाँ था, 5-4 महीने से तू क्यों नहीं आया, तेरे में ऐसी क्या कमी थी। तो आज उनके सबके जवाब दूंगा मैं, उन सबको बताऊंगा कि भाई, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पिछले दिसंबर से बोलता आ रहा हूँ। आज मैं वो सारी चैटिंग दिखाऊंगा जो मैंने बोला था ना कि मैं चैटिंग दिखाऊंगा, कि मैं कब से इस बात पे लगा हुआ था कि मेरा नाम डाला करो, मेरा नाम डाला करो। हर बार इग्नोर किया गया। और फिर अब कई लोग मुझे स्क्रीनशॉट बोले, जय श्री श्याम जी, अब मुझे कई लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, बोल रहे भाई तेरा तो नाम है, तू तो मतलब झूठ बोल रहा है और ऐसे ही बदनाम कर रहा है। तो मैं बदनाम नहीं कर रहा। आज कुछ लोगों को देखो, आप किसी के फैन हो, और कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि भाई तू गलत बंदा है, ये है वो है। तो अब मैं आपको वो चीजें दिखाना चाहता हूँ जो लोगों को लगता है कि मेरा नाम है इसलिए मैं जानबूझ के बदनाम कर रहा हूँ। नहीं, अब बस ज्यादा लंबा लाइव नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा मैं कितना पेशेंस वाला बंदा हूँ, मैंने कितना पेशेंस लिया है। 4-5 महीने वेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो भी मेरे हक के लिए। आज मैं कोई भी उस तरह की बात नहीं करूंगा लोगों की, मैं सिर्फ मेरी बात करूंगा। अगर फिर भी कोई बात आती है तो मैं आप सब लोगों को वो भी बात बताऊंगा। आज मैं खुलासा कर रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सेठों का सेठ, जितने भी जो भजन थे मेरा उनमें कैसे नाम था या नहीं था, और मेरे पास क्या सबूत है कि मैंने वो म्यूजिक बनाया। आज मैं अपनी हार्ड डिस्क लेके आया हूँ, वो आपको सारे गाने भी सुना दूंगा। अभी काम चल रहे हैं तो वैसे चैटिंग दिखाता हूँ आपको। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि मेरे पैशंस कितने हैं और मैंने कितना वो किया था। पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि किन किन गानों में मेरा नाम नहीं था, और अब नाम डल भी गया, सेठों का सेठ में अब नाम डल गया। और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं बदनाम कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी नाम डला है, वो कल परसों के उसमें डला है। अब मैं सबूत दे रहा हूँ कि भाई मैं गलत नहीं था, मैं ठीक था। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चलो अब ये भजन मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैमरा दूसरा करता हूँ मैं। ठीक है, चलो ये दिखाता हूँ मैं आपको, यह वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड देख लो आप। ये गाना है इत्र, सावरे को किसने सजा दिया। ठीक है, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देखो इसमें मेरा नाम नहीं है, अभी भी मेरा नाम नहीं है इसमें। आप आगे डिटेल में ये देखो, अब ये गाना प्ले होगा, ये स्क्रीन रिकॉर्ड मेरी की हुई है, आप ये देखो। अब एक मिनट मैं पुश कर देता हूँ, आ जाओ जी। अब ये तो ये गाना है इत्र, इत्र जो गाना है इसमें मेरा कहीं भी अभी भी नाम नहीं है। अब जितने भी बंदे जो मुझे बोल रहे थे ना कन्हैया मित्तल की पक्ष में, जो बोल रहे थे कि मैं झूठा हूँ, और अब ये देखो ये मेरा नाम नहीं है इसमें, इत्र गाना। और ये इत्र गाने का सारा डाटा मेरे पास है अभी भी, और ये सारा गाना मैं सुना दूंगा। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं सारा डाटा मैं आपको सुना दूंगा। अगर किसी और ने ये म्यूजिक बनाया है तो वो कन्हैया जी सुना दे। ठीक है, अब मेरा नाम भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, मेरा वीडियो पे नाम आएगा, एक मिनट देखते रहना आप। अभी मेरा नाम आएगा स्क्रीन पे, इसलिए नाम आ रहा है कि ये वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। डिस्क्रिप्शन में जो है ना नाम मेरा होना चाहिए था, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से ही मेरा काम चलेगा, जो मुझे मेरी रॉयल्टी या जो भी मुझे मिलना है कुछ मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री से, जो मेरा रॉयल्टी आनी है वो। ये देख लो कहीं पे भी नाम नहीं है इधर मेरा, सावरे को किसने सजा दिया इत्र गाना जो था। ठीक है, एक सिंगर का नाम आया, ये आशीष भी आ गया, सॉरी निकल गया। आप ये देखे स्क्रीन पे, ये वीडियो वाले मैंने नाम डला हुआ है। कैसे दिखेगा आपको, दिखा क्या म्यूजिक में आशीष भी आ रहा है, म्यूजिक में आशीष भी आ गया। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था कि मेरा नाम डिस्क्रिप्शन में नहीं है। अब दूसरी स्क्रीन सेठों का सेठ में, आज जो मुझे बोल रहे हैं ना मैसेज कर करके,
जो मुझे मुझे अब बोल रहे हैं कि तू घटिया बंदा है, तू बदनाम कर रहा है। ये सेठों का सेठ गाना है, ये पहले की स्क्रीन रिकॉर्ड है। आज अभी देखो उस पर मेरा नाम लिखा होगा आशीष भी, ये पहले का है, देख लो। अब ये सेठों का सेठ चला, इसकी डिस्क्रिप्शन में देखो कहीं भी मेरा नाम नहीं है, चेक करो। अब पता लग जाएगा मैं सच्चा हूं। अब अभी आप YouTube खोल के देखो, लाइव बंद करके, मेरा लाइव बंद कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया सेठों का सेठ, ठीक है। अभी इसमें मेरा नाम नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा नाम नहीं है ना। और अभी काफी लोग, आप जाओ YouTube पे, उसमें मेरा नाम है। अगर मैं गलत होता तो मेरा नाम कैसे आ गया भाई? इतना तो मैं पावरफुल बंदा भी नहीं हूं, कोई मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूं कि मैंने एक फोन किया और मेरा नाम लिखेगा। क्योंकि सबको पता था मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं और मैंने काम किए हैं कन्हैया मित्तल के, म्यूजिक किए हैं। अब ये स्क्रीन रिकॉर्ड आपने देख ली ना, अभी और कुछ दिखाता हूँ आपको, रुको। मेरा पेशेंस कितना है, मैं कितने प्यार से बात करता था उनसे, वो भी दिखाता हूँ। और मेरा कोई लड़ाई करने का और ये सब चीजों का मेरा कोई मन नहीं था, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि मैं इस तरह का कुछ लाइव भी करूंगा। लेकिन ये मजबूरी में मैंने 5-6 महीने वेट करके, आप लोगों की बस ब्लेसिंग चाहिए मुझे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं अपनी तरफ कैमरा करता हूँ। हाँ जी, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया ना, अभी कुछ लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि तू झूठा है, सेठों का सेठ में तेरा नाम है। वो नाम अब लिखा गया है, कल परसों से नाम लिखा गया है। और ये स्क्रीन पे आपने देखा ना, मेरा नाम नहीं है। ये स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने पहले कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था शायद मैं कल को लाइव आके बोलूंगा तो मेरा नाम लिख, और मैं सच्चा हूं, मेरा नाम लिखा गया। अब मेरा नाम आ रहा है, और अभी भी कुछ भजन है जिन पे अभी भी मेरा नाम नहीं है, ठीक है। आप सपोर्ट करो कन्हैया मित्तल को, जो सुनने वाले हैं कन्हैया मित्तल को, जो मानते हैं वो मानते रहो भाई। मैं ये नहीं कह रहा भी उसकी काट करो उसको, लेकिन मेरा उसने क्रेडिट खाया, मैं उसकी जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूं कि भाई बंदा ऐसे करता है। मेरे साथ ऐसा किया जिसने दिन रात, मैं सुबह 6-6 बजे सोता था, एक गाना मैं कितने कितने बार मिक्स करता था ये मेरा, देखो। और बंदा मुझे ये बोलता था कि भाई स्टूडियो में यार मत सोया करो, सुबह 9 बजे उठ के चला जाया करो। अरे भाई सारी रात मैं 6 बजे सो रहा हूं तो 9 बजे तक का मैं कैसे सोऊंगा? और मत, अच्छा मैं और दिखाता हूं, मैंने कितने गाने किए हैं और कितने गानों में अभी भी मेरा नाम नहीं है। अब मैं ये जवाब सिर्फ उन नकली बंदों को देना चाहता हूं जिनके आंखों पे अभी भी पर्दा लगा हुआ है, उनको लग रहा है कि मैं कन्हैया मित्तल को बदनाम कर रहा हूं। मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं हकीकत सामने ला रहा हूं। और अभी जब से मैंने वो लाइव डाला है, कम से कम 1000 सिंगरों के, शाम जगत के 1000 सिंगरों के, 1000 लोगों के टोटल आए, जिसमें से कंपनी वाले भी हैं। वो कह रहे थे हमने आशीष भी का नाम सुना था, हमने बड़ा सर्च किया भाई, आप नहीं मिले। और उन्होंने संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां से क्या जवाब आता था पता है? हम वहां से ये जवाब आता था भी हमें पता नहीं, भी हम ये सब कुछ आप ही करते हैं, ठीक है। और मुझे सपोर्ट भी मिला है, बड़े सारे सिंगरों ने मुझे बोला कि हमारा काम करो, कुछ कंपनियों ने बोला। और ये पेशेंस, अब मैं बताता हूं जिनको ये लग रहा है ना कि मैं अब इतने टाइम बाद क्यों आया हूं, अब इतने टाइम बाद नहीं, ये बातें मैं दिसंबर से बोलता आ रहा हूं कन्हैया मित्तल को, काम करने के बाद भी, काम करता था तब भी मेरा नाम नहीं डालते थे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, किन गानों में और मेरा नाम नहीं है, और वो गाने भी मैं सारे सुनाऊंगा आपको। आइए देखते हैं, ये 25 दिसंबर तुलसी पूजा, ठीक है, स्क्रीन पे मेरा नाम है, क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो डिलीट कर नहीं सकता क्योंकि सारे व्यूज चले जाएंगे और पैसे आने चैनल पे बंद हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा नाम नहीं है, अभी भी इस गाने में मेरा नाम नहीं है, और ये गाना मैंने ही किया था क्योंकि ये स्क्रीन पे मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम नहीं है। लेकिन जो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम, मैंने सिर्फ यहाँ की मांग की थी कि मेरा डिस्क्रिप्शन में नाम आना चाहिए, ठीक है, नहीं है ना। और दिखाता हूँ, 25 दिसंबर तुलसी दिवस, ये हो गया, यहाँ पे नाम नहीं है। अच्छा, अगरसैन का वंशज हूं, ये गाना भी मैंने बनाया हुआ है, यहां पे भी मेरा नाम नहीं है, ठीक है। मैं अगरसैन का वंशज, ये भी मैंने गाना बनाया था, इसका सारा डाटा मेरे पास पड़ा है, ठीक है, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। अब कल को कोई नाम डालता है तो मेरा शॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन कुछ हैं, कुछ ऐसे मैं उनको अब क्या बोलूं, मेरे को भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको कमेंट, उन्होंने मेरे से बात ही नहीं पूछी, उनको लग रहा था कि मैं खराब कर रहा हूँ, लेकिन मैं खराब नहीं कर रहा भाई, पहले मेरे से तो पूछ लो यार कि मैं अपनी लड़ाई जो लड़ रहा हूँ, जो मेरी मांग है वो मुझे नहीं मिल रही है भाई, मुझे क्या लेना देना यार, मैं क्यों बदनाम करूंगा किसी को, ठीक है। ये गाना भी मैंने किया था, इसका डाटा मेरे पास है। इत्र में मैंने आपको दिखाई दिया, वीडियो में मेरा नाम था,
कन्हैया मित्तल का, ये हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम का, ये देखो म्यूजिक में मेरा पोस्टर पे नाम है, ये देखो ऊपर डिस्क्रिप्शन में नहीं है। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ नहीं है ना, मेरा नाम नहीं है। ओके ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि भाई तू पैसे तो लेता था। भाई पैसे लेता हूँ तो क्या हो गया, पैसे लेता हूँ तो मेरा क्रेडिट तो आना चाहिए ना। जब से ये देखो इसमें भी मेरा नाम नहीं है, चेक करो। एक गाना मैंने बनाया था लो आगे योगी लो आगे, इसमें देखो ये मेरा नाम है। फिर आ गया ये आशीष भी, ये कौन सा गाना है, अच्छा ये वो मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ भी मैंने। अब मैं आपको बात बताता हूँ बात क्या है, ठीक है। मैंने सारे गाने दिखाए जिनमें मेरा नाम नहीं है, और ये बातें मैं कब से बोल रहा हूँ कि भैया मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो। अब वो दिखाता हूँ मेरी चैटिंग। भाई मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बदनाम किसी के बारे में ऐसे बोलने का। कन्हैया मित्तल ने मुझे ये बोला था फोन करके, तेरे से जो होता है वो कर ले, आज नहीं 4 महीने पहले बोला था, जब मैं बॉम्बे से, मेरे को कन्हैया मित्तल ने बुलाया था बॉम्बे से कि भाई आ जा ट्रैक करेंगे। मैं आ गया, जब मैं उधर गया तो भाई बंदे ने इतना खतरनाक वाला मेरा, मुझे लगा मेरी इंसल्ट हुई है भाई, मैं आके भी, और मुझे कह रहा भी अपने घर जाके कर ले, यहाँ पे फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसा है वैसा बहुत कुछ बोला। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कब से बोल रहा हूं ये बातें। आज आपको कई लोगों ने बोला था कि मुझे कि भाई आज तू आके बोल रहा है, पहले कहां था भाई तू, पहले कहां था, पहले सो रहा था क्या, या पहले ये, मतलब मेरे को गलत कमेंट भी किए, लेकिन कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि उनकी आंखों पे अभी पर्दा लग रहा हो सकता है। किसी के हम फॉलोवर होते हैं ना तो हमें लगता है वही बंदा ठीक है और सामने वाला ऐसे ही बेकार है, बदनाम कर रहा। मैं बदनाम नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है, कई लोगों ने मुझे ये कहा था कि भाई तू तो सलीम का प्रचार कर रहा है। भाई ऐसा है, सलीम जी तो मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं, जब कन्हैया मित्तल का मेरा कोई जिक्र भी नहीं था फिर भी मैंने कन्हैया मित्तल के साथ काम किया, क्योंकि मेरा काम है म्यूजिक करना। मुझे कोई लेना देना नहीं था कन्हैया मित्तल और सलीम जी की वो कॉन्ट्रोवर्सी में, क्योंकि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैंने सबके साथ काम करना है, ठीक है। फिर भी मैं काम कर रहा था। और अब ये मैं उन लोगों के जवाब दे रहा हूँ जो मुझे ये बोल रहे ना कि पहले कहाँ था तूने, अब आके तू बोल रहे, तो मैं ये चैटिंग दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या क्या बोला था, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा लास्ट मैसेज है, देखो आप। भैया मैं आईपीआरएस का मेंबर हूँ इसलिए उनको नहीं इस बात से मतलब, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ो पूरा गौर से, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं भैया, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा मेरा नाम चैनल पे कॉपीराइट ये या स्ट्राइक लग सकती है। मैंने आपको वो पैसे भेज रहा हूँ जो आपने मुझे 5,000 भेजे थे, बस आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम डाल दो, जो जो म्यूजिक मैंने किए हैं, बस मुझे चाहिए मेरा क्रेडिट चाहिए, अगर हो सके तो कल तक करवा देना, और मैंने हाथ भी जोड़े हैं, ठीक है। अब आपको मेरी अच्छाई बताता हूँ मैं कितने प्यार से मैंने, देखो कॉपीराइट या स्ट्राइक, मैं चाहता तो कन्हैया मित्तल का चैनल भी उड़ा सकता था, मेरे पास पूरे राइट हैं, लेकिन मैंने इतनी नकली बातें नहीं की, मैंने प्यार से बात की कि भैया कॉपीराइट आ जाएगा आपका चैनल उड़ जाएगा, मेरी शरीफियत है ये। अब आपको सुनाता हूँ मेरे वॉइस मैसेज, उस दिन के बाद तो मैं आया ही नहीं कभी, मैंने उस दिन जिस दिन आपने बुलाया जब मैं बॉम्बे से आया, फिर आप बोले कि आशीष स्टूडियो मत ओपन करना, आप उस दिन मुझे बोल देते ना कि भी अपने सारे ट्रैक आप कॉपी कर दे भाई, तो मैं कर देता हूँ, आपने पता नहीं शायद आपका मूड ये नीचे वाला मैसेज लग गया, ऊपर वाला चलाता हूँ, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वॉइस मैसेज ये सुन रहा है क्या मेरा भेजा हुआ ये। भैया जब भी कोई VST में प्लग इन यूज करता था ना, और अपने हार्ड डिस्क में से लूप, जैसे मेरी हार्ड डिस्क में से जल्दी मेरे को पता था ना कहाँ है लूप लाइब्रेरी, मेरी हार्ड डिस्क में अगर वो मैं यूज करता था ना तो जल्दी बनता था ट्रैक, हैंग नहीं होता था और प्रोसेस जल्दी नहीं होता था, इसलिए मैं अपनी जो मेरी हार्ड डिस्क थी ना उसके लूप लाइब्रेरी यूज करता था ना, तो उसी में सारे ट्रैक बनाता था मैं अपने। ऐसा नहीं है कि हाँ वो ये ठीक है, चलो अगर आपको ये लगता है कि वो अपने कंप्यूटर में भी होने चाहिए, तो उसका तो मैंने मना ही नहीं किया ना, और
बस यही है और कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क हटा के मैं काम करता था ना, तो लूप लाइब्रेरी बहुत ढूंढने पड़ते थे, क्योंकि जो अपन हितेश भाई से लूप लाइब्रेरी ली थी ना, वो कभी यूज ही नहीं की, वो एक गाने में यूज की थी बर्थडे वाला न्यू ईयर वाले गाने में, और वो ट्रैक वहीं पड़ा होगा। और बाकी जो भी मैंने ट्रैक बनाया ना, वो मेरी हार्ड डिस्क के जो लूप लाइब्रेरी यूज करता था ना, उसी में फिर मैं बनाता था, ताकि जल्दी बने ट्रैक और जल्दी प्रोसेस हो सारा, है ना। और जितने भी मैंने आपके ट्रैक बनाए वो मैंने आपके नाम से फोल्डर बना रखा है, और जब भी आपको लगेगा उसी दिन मैं आपको ट्रैक भेज दूंगा। ठीक नहीं, ठीक है, मैंने ये बोला है साफ साफ कि भैया आप जो बोल रहे हो ना कि मैंने चोरी किया, ऑलरेडी मैंने ही म्यूजिक बनाया, मैं चोरी का उसमें क्या मतलब था उन्होंने, क्योंकि हाँ सच्ची, अब कई लोगों ने मेरे को बोला था ना कि पहले तूने 4 महीने पहले क्यों नहीं बोला कन्हैया मित्तल को कि भाई मेरा नाम डाल, ये वो डाल। अभी मैं दिखाता हूँ मैं कब से बोल रहा हूँ, सुनो अब बात, मामला क्या था, मैं क्यों चुप रह गया। जब मैंने उनको बोला ना कॉपीराइट आएगा, स्ट्राइक आएगी, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला था, उन्होंने बोला था कोई बात नहीं तेरे नाम की FIR तैयार है। वो आशुतोष का फोन आया था मेरे पास, आशुतोष मित्तल, उसने बोला था भैया कह रहे थे कि भी यार FIR करवानी है, तो मैं डर गया, मैं गया यार मैं इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहता, मैं चुप रह गया भी कोई बात नहीं यार, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं म्यूजिक का काम करता हूँ, और इतना मेरा ब्योत भी नहीं है कि भाई मैं इतने पैसे दे के या कुछ ऐसा कर सकूँ। और भाई सीधी बात है, सबको पता है कन्हैया मित्तल की पावर है अभी, तो सीधी अगला करवा सकता था मुझ पर चोरी का इल्जाम। मैं 5 महीने चुप रहा भी कोई बात नहीं यार, अभी तो ये कुछ भी कह देगा ना, लोग इसकी मान लेंगे कि हाँ आशीष मेरे स्टूडियो में से फलानी चीज ले गया, धिकड़ी चीज ले गया। तो मैं 5 महीने चुप रहा, मेरा कोई बात नहीं यार। अब मैं 4-5 महीने बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस स्टूडियो में 4-5 महीने से उनका आना जाना हो रहा है। अगर वो आज ये कहते हैं कि हमारा सामान चोरी किया, तो कुछ ना कुछ तो मेरे हक में भी बोलेगी ना सरकार, कुछ ना कुछ तो जो बाबा साहेब ने कुछ रूल बनाए हैं। तो 5 महीने इसलिए भाइयों मैं चुप था ताकि ये थोड़ा मामला सेट हो, तो मैं बताऊंगा लोगों को, ठीक है। अब मैं उनका जवाब देता हूँ कि उनको लग रहा है कि मैं आज आके क्यों बोल रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बोला। अब वो मैं चैटिंग दिखाता हूँ कि मैं कब से उनको बोल रहा हूँ। आओ जी, जिनको ये लग रहा है ना, आशुतोष कहाँ है पहले उसको ढूंढता हूँ, आ जाओ भाई। अब आपको दिखाता हूँ मैं कब से इन चक्रों में पड़ा हूँ कि मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो, ओके। और जिनको भी लग रहा होगा कि यार मैं गलत बंदा हूं, तो प्लीज एक बार ध्यान से मेरी बातें सुनना यार, शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं बदनाम करने के लिए नहीं आया किसी को, लेकिन जो जो सच है वो एक बार आपको पता तो लगना चाहिए ना कि भाई मैं सच बताऊं। वो सारी चैटिंग अभी आज दिखा दूंगा, सारी बातें दिखा दूंगा भाई, सुबह 4-4, 5-5 बजे तक, क्योंकि वो कन्हैया मित्तल जी तो होते थे वहां पे जागरण में, तो 4-5 बजे तक वो तो सोती नहीं थे। मैं म्यूजिक एक्टर हूँ भाई, मेरे को भी तो सोना है, दिन में भी काम कर रहा हूँ, रात को भी। 4-4 बजे तक मैं उनको, वो कहते थे मुझे सुनना है आज ही मिक्स करके भेज, अभी मिक्स, वो 5-5 बार मैं मिक्स करके भेजता था। वरना आपको पता है एक मिक्सिंग वाला ना ना करते, एक भजन को मिक्स जब करते हैं ना, वो ना ना करके 5-6 हजार रुपये लेता है, और डबिंग के लगते हैं 2-3 हजार रुपये, म्यूजिक के 15-20-10 लास्ट है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ इनके साथ, और गरीब बच्चों में ये पैसा जाएगा, इसलिए मैं, अगर ये बातें मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कन्हैया मित्तल जी से पूछ सकते हो मैं कितने पैसे लेता था। ये सिर्फ श्याम बाबा के नाम पे होता था कि भी चलो यार 3 हजार रुपये मिल रहे, वो भी मेरा खर्चा, क्योंकि मेरे जीरकपुर से उनके घर पे जाने का टैक्सी का जो पैसे लगते थे 300-500 रुपये ऐसे लगते थे। और भाई मुझे ये था चलो यार कोई बात नहीं हो जाएगा। हाँ अब बस दिखाता हूँ मैं आपको मैं कब से बोल रहा हूँ ये नाम के लिए, आ जाओ जी 2 सेकंड दो, मैं आपको सारी चैटिंग दिखाता हूँ। कई लोगों का दिमाग थोड़ा ऐसा है कि वो अरे अभी आ गया तो बदनाम करने, ये है वो है, आ जाओ जी मैं आपको दिखाता हूँ कब से। ये हमने एक गाना, अच्छा उल्टा दिख रहा होगा, रुको मैं इधर रखता हूँ इस फोन को और आपको दिखाता हूँ, इसमें तारीख भी होगी, 12 दिसंबर का है ये, देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 दिसंबर, दिख रहा है आपको। ये हमने किया था तेरा जलवा, ये दो भाई हैं इनका, मैंने किया था, देखो म्यूजिक आशीष भी, इन्होंने बोला डन, आशुतोष मित्तल है ये भैया के साथ रहते हैं, इनकी फोटो भी मैंने खींची थी, अभी दिखाता हूँ, और करो भाई टैग करो मुझे, ओके ठीक है। ये देखो इसमें भी मेरा नाम नहीं है, मैं अग्रसेन का वंशज हूँ। ये कब किए, देखो 27-23, ठीक है, इसमें मेरा नाम मैंने लिख के भेजा कि इसमें भी मेरा नाम डालो, ठीक है, अभी आ जाओ। 25 दिसंबर को जो तुलसी पूजा वाला होता उसमें भी मैंने लिख के भेजा म्यूजिक आशीष भी।
देखो अपलोड होने के बाद भी मैं कब से कह रहा हूँ आ जाओ, अब मैं मेरा मैसेज सुनाता हूँ आपको। अशोक भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, सुन लो ये प्लीज जरा इनको खोल के ना, इनके ना डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक बाय आशीष भी कर दो, ये और ये स्पेलिंग मैंने भेजी हुई है डबल ए वाली, और बस ये कर दो और बताओ, इनमें ये कर दो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लीज, थैंक यू। अब देखो आप ये सोचो, मैं जब से इनके साथ काम कर रहा हूँ तब से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर भी मैंने काम किए। मैं सोचता था यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और मैं दिखाता हूँ, ठीक है, और भी दिखा रहा हूँ आपको कि मैं उन लोगों का वहम दूर कर रहा हूँ जो लोग मुझे कह रहे थे भाई इतने टाइम से सो रहा था क्या, अब तू एकदम से आ गया, झूठा है तू, ये है वो है, कोई बात नहीं। अभी दिखाता हूँ, रुको। आशु भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो मित्र साहब? आशु भाई जो ये एपीएस वाला बंदा है ना, ये साला जानबूझ के ये एडिटर की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसको मैंने बोला है जानबूझ के मेरा नाम गलत लिखता है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं अभी आपको टाइमिंग दिखा रहा हूँ। कई लोगों को लग रहा है कि मैं एकदम से ही आया और एकदम से बदनामी कर रहा हूँ, कन्हैया मित्तल ने मेरे साथ काम करना मुझे छोड़ दिया, मुझे ये भी बोला कि तुझे निकाल दिया ये, अरे भाई निकाल दिया अच्छी बात है कोई बात नहीं, अब मैं उस लायक नहीं होऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन भाई ये अब की बात नहीं है, अब मैं ये मुद्दा नहीं उठा रहा, मुद्दा ये काफी टाइम से कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ दिखाता हूं मैं, ये देखो ये मैंने बनाया, ये कब का मैसेज है, मार्च में, ठीक है, ये देखो, और ये आशुतोष है, इसका नंबर भी मैं शो करवा दूंगा, ये देखो म्यूजिक आशीष भी डिस्क्रिप्शन में। आशु भाई कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अच्छा यूपी बोल रहा मैं, वो ना म्यूजिक भाई आशीष डिस्क्रिप्शन में लिख दो। और यार आशु भाई पता है क्या, एक थोड़ा सा ना रहता ही है यार, म्यूजिक का ना आप सबसे नीचे कर देते हो, हालांकि म्यूजिक का रोल सबसे ऊपर होता है, पहले सिंगर फिर म्यूजिक फिर लिरिक्स, ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप किसी भी कंपनी का कोई भी गाना उठा के देख लो, लेकिन अपने पता क्या करते हैं, म्यूजिक को ऐसे नीचे 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 कर देते हैं, जैसे तो मैंने म्यूजिक की नहीं बोला, वैल्यू ही नहीं है म्यूजिक की। तो ये बात चाहे आप भैया को भी बोल देना कि मैंने बोली है ये बात, सिंगर के तुरंत बाद आना चाहिए। ये तो मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम यार आप ऐड करते हो तो बहुत नीचे कर देते हो, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर कुछ है ही नहीं बेचारा, ठीक है। यूपी बोल रहा हूँ मैं, मैंने आपको दिखा दिया, ये कब की बातें, आप देख लो भाई, जो लोग ये कह रहे थे ना कि मैं अभी चार दिन में उठ के आ गया, ये देखो मार्च का मैसेज मेरे साथ, ये फिर भी मैं काम कर रहा था उनके साथ, ठीक है। दिल्ली वाले दीवाने बाबा शाम के, चलो ये आ गया ये आ गया, ये मेरे को भेजे उन्होंने। अच्छा ये तो मेरे गाने भेजे हुए हैं जो मैं करता हूँ, ठीक है, अब देख लिया। अब मैं आता हूँ कन्हैया मित्तल जी की जो मेरी चैट हुई है, मैं मैसेज भी सुना देता हूँ। अब मैं आपको वो मैसेज सुना रहा हूँ जो लास्ट के जो मैसेज थे, मेरा कितना अच्छा ढंग था बात करने का और कितने प्यार से मैंने उनको बोला है सारी बातें, आओ देख सुन लो। मैंने उनको बोला कि शायद ये मिसअंडरस्टैंड जो भी होता है, वो मुझे बोला नहीं आता इंग्लिश में ज़्यादा, मुझे मैंने उनको बोला भी कि शायद आपको उस बात का बुरा लग रहा है कि वो कोई लड़के आए थे रिकॉर्डिंग करवाने, उनसे आपका सही नहीं बन रहा, अब सुनो। उस दिन के बाद तो मैं आया ही नहीं कभी, मैंने उस दिन जिस दिन आपने बुलाया जब मैं बॉम्बे से आया, फिर आप बोले कि आशीष स्टूडियो मत ओपन करना, आप उस दिन मुझे बोल देते ना कि भी अपने सारे ट्रैक यहाँ कॉपी कर दे भाई, तो मैं कर देता। आपने पता नहीं शायद आपका मूड ठीक नहीं था उस दिन, तो मैं वापसी भी चला गया, और मेरे जिस दिन आपको पता ही था कि मैं घर चला जाता हूँ शाम को कभी कभी, तो आपने उस दिन फोन करके बोला था कि आशीष यार आप स्टूडियो तभी आना जब मैं बुलाऊं, उसके बाद भैया मैं स्टूडियो ही नहीं आया। अगर आप मुझे बोल देते कि आशीष वो अपने ट्रैक यहाँ पे कॉपी कर दो, तो मैं कर देता भैया, मुझे उनसे देखो कोई फायदा तो है नहीं, है ना, क्योंकि वो सारी मेहनत मैं करता था तो अपने हार्ड डिस्क पे करता था, है ना, गाया अपने म्यूजिक मैंने बनाया, इससे मैं कभी मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि वो ट्रैक की आपको जरूरत पड़ेगी कभी भी या भविष्य में आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। आपने सुना जो वो मुझे चोरी का नाम लगा रहे थे ना कि तूने चोरी कर लिया ट्रैक, मैंने ये बोला कि भैया जब भी आपको ट्रैक चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं थी, मेरे साथ काम नहीं करना मत करो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे मेरे क्रेडिट के मिली लिए मैंने बोला था, और मैं ये अब से नहीं बोल रहा। अच्छा लास्ट मैसेज और सुन लो मेरा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि यार आशीष ने बड़े प्यार से बात की है, लास्ट मैसेज और सुनो। और भैया देखो मैंने जितने भी आज मैं जितने भी टाइम से काम कर रहा हूँ, 2004 से काम कर रहा हूँ ना मैं म्यूजिक में, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कर रहा हूँ मैं 2011 से,
जितने भी मैंने ट्रैक किए हैं ना वो मैं अपने पास तो जरूर रखता हूँ उनका डाटा ना, और एक म्यूजिक डायरेक्टर अपने पास ही रखता है भैया डाटा, ये तो जरूरी आपको पता है। अगर मैं किसी और के भी स्टूडियो में जाता हूँ ना, एसोनो ट्रैक या किसी का भी कंपनी का काम करता हूँ ना, तो उनके ट्रैक जो मैं उनके स्टूडियो में बनाऊंगा ना, तो मेरे पास वो ट्रैक होते हैं जरूर। तो ये है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर और ये बात मुझे लगता है कि शायद आप गलत बोल रहे हो कि मैंने कुछ चोरी किया, ऐसा काम नहीं करता भैया। मैंने बड़े बड़े स्टारों के काम किए, बॉम्बे में 12 साल काम किए, बड़ी बड़ी फिल्मों का काम किया, आपको भी पता है। तो मैं तो वो अपना डाटा अपने पास तो रखता ही हूँ ना भैया। और हो सकता है कि शायद कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारे बीच में, और वो उसी दिन से हुई है, वो जिस दिन मैं लाइव आके वो अपने स्टूडियो में एक वो गौरव नाम का लड़का था, फिर तभी आपने मेरे को बोल दिया था कि आशीष मैं आपको बुलाऊंगा तभी आना। फिर उसके बाद कभी बात ही नहीं हो पाई, कभी अच्छे से मुलाकात ही नहीं हुई। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, देखो एक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं सारे गानों का जो भी मैं करता हूँ, जो अभी भी कर रहा हूँ, और आने वाले जो भी ट्रैक है, मैं अपने पास तो रखूंगा ना अपना डाटा। और रही बात आपकी जो ट्रैक है, जब आपको लगेगा मुझे बोल दोगे मैं भेज दूंगा, है ना। और आपको भी पता है कि पैसे आपने दिए, चलो मैंने भी जितने पैसे मैं दुनिया से लेता हूँ उतने पैसे तो मैंने आपसे कभी लिए नहीं, जैसा आपने दिया मैंने ले लिया। कभी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर प्रोफेशनल तो मैंने कभी रखा ही नहीं। आप तीन तीन चार चार बार भी डबिंग करते थे, मैंने कभी नहीं कहा कि भैया आपके डबिंग के पैसे बचा रहा हूँ मैं, और आपके साथ तो हुआ ही नहीं कभी पैसों का मामला। और 3,000 रुपये में भैया आप, मैं इतना एक ट्रैक आपका 3,000 रुपये में मैं बनाता था, है ना। तो उसमें कोई वो पैसे वाले, आपको भी पता है इतना अच्छा भजन मैं इतना काम करता था, तो वो अगर हम कीमत सोचे तो वो 3,000 रुपये वाला काम नहीं था भैया। वो आपसे प्यार था मेरा कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और भैया का भी करता हूँ। तो पेमेंट अगर आप सोचो, अगर पेमेंट दे रहे हो तो वो 3,000 रुपये कोई पेमेंट नहीं है भैया। वो मेरी भी तो अच्छाई है ना कि मैं चलो एक सेवा के तरीके से ही कर रहा हूँ आपके काम। और आपको भी पता है एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर कितने पैसे लेता है। देख लो ये मेरे लास्ट मैसेज थे, मैं फिर भी उनको भैया भैया कह के बोल रहा था कि प्लीज आप मुझसे काम करवाओ ना करो, मेरा जो क्रेडिट है मेरा नाम नाम डाल दो ना यार आप। मैंने उनको बोला मैं IPRS का मेंबर हूँ, मैंने आपसे अगर कम पैसे लिए तो कोई बात नहीं, मुझे रॉयल्टी मेरी जिससे मेरा घर चलता है मुझे रॉयल्टी आ जाएगी। ये बात सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे, सच्ची बोल रहा हूँ मैं बाबा श्याम की कसम खा रहा हूँ, मैं मेरे को उन्होंने बोली है कि तू मेरे को धमकी दे रहा है क्या, कॉपीराइट आ जाएगा, तू मेरे को चैलेंज कर रहा है क्या, तो आ जा फिर खुल के आ जा सामने अगर आना है तो, मतलब तेरे से जो होता है वो कर ले। ये बात जब कही ना उस टाइम मेरा और ज्यादा दिल टूटा कि यार मतलब ये बात बोली यार उन्होंने, मतलब मैंने रात भर जाग जाग के, आज आज लोग उनके फैन है ना भजन सुन सुन के, है ना, उन लोगों को मैं बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आप मुझे 100 गालियां निकालो, आप मुझे कुछ भी कह लो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार प्लीज एक बार आप अपने घर पे आराम से बैठ के सोचना, अगर ये काम आपने किया होता, आपने अगर इतनी मेहनत की होती और आपके साथ कोई भी बंदा ये करता तो आपको कैसा फील होता है। मुझे आप गाली बक रहे होगे, मुझे अंदर अंदर बोल रहे होगे कि मैं किसी की बदनाम, नहीं भाई, मैं दिसंबर से जब से काम कर रहा हूँ ना तब से मैं उनको कह रहा हूँ मेरा नाम डाला करो मेरा नाम, फिर भी आज डलेगा कल डलेगा ऐसे करते थे। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं एक दिन तो हो डलेगा। तो भाई प्लीज मुझे गाली बकने वालों, आप भी मेरे भाई हो यार। कन्हैया मित्तल को मैंने कभी गाली नहीं बकी, कन्हैया मित्तल के बारे में मैंने कभी गलत नहीं सोचा। जो पहले का लाइव और आज का भी जो लाइव है, ये सिर्फ मैं अपनी सबूत दे रहा हूँ कि मैं कन्हैया मित्तल को बदनाम नहीं कर रहा, मैं कन्हैया मित्तल की जो मेरी बात है, जो मेरा क्रेडिट है, अभी सेठो का सेट में मेरा नाम भी आ गया, सेठो के सेट की मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा दी आपको, उसमें मेरा नाम नहीं था, ये कल परसों मेरा नाम डाला है। और अभी 7 से 8 गाने जो अभी भी जिनके स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं उनमें मेरा नाम नहीं है। तो भाइयों यार आप प्लीज थोड़ा सा एक बार शांत दिमाग से आप सोचना कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। और अभी एक चीज और दिखाता हूँ, देखो वो चोरी वाली बात थी ना, जो मेरे पास फोन आया था कि तू तेरी FIR करवाएंगे हम, चोरी का नाम लगाएंगे, तो उस टाइम मैं डर गया था भाई यार, क्योंकि कन्हैया मित्तल है वो, कुछ भी आज खट्टर को फोन कर दे, खट्टर हरियाणा सरकार में BJP है और BJP में उसका जबरदस्त बोला वाला है, और वैसे खट्टर मैं BJP को वोट दूं या ना दूं कोई नहीं, लेकिन खट्टर हमारा भी भाई वो है, CM है, मोदी जी हमारे भी है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी पावर तो पावर होते हैं ना भाई, मैं डर गया, मैं क्या भाई ये तो चोरी का नाम लगा देगा, तो शांत हो जा। तो 4-5 महीने में इसलिए शांत था भाई, अब 4-5 महीने बाद अगर वो कहते हैं मेरे चोरी कर लिया वो, तो फिर अब देख लेंगे कोई नहीं। अब सुनो उनकी मैसेज चैट दिखाता हूं, मैंने उनको मैसेज लिख रखा है, मैं आपको पढ़ाता भी और दिखाता भी हूं, ठीक है, ओके। ये देखो ये मेरा, ये उन्होंने रिप्लाई किया है,
कि आपका स्टूडियो का कोई लूप या सामान चोरी हुआ है तो आप मुझे बोलो, ठीक है। ये मेरा मैसेज था और ये कन्हैया मित्तल जी ने मुझे मैसेज किया, ये नंबर भी शो कर दूंगा अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो। जो मैंने काम किया उसके पैसे दिए, मेरी हार्ड डिस्क में रॉ फाइल होनी चाहिए थी, कहाँ है? अब मैं बताता हूँ रॉ फाइल क्या होती है। रॉ फाइल वो होती है जो पूरा म्यूजिक बनाते हैं ना, उसका जो जो भी चीज मैं बजाता हूँ या जो भी सामान होता है वो रॉ फाइल होते हैं। अगर अब मैंने क्यों नहीं छोड़ी उनके कंप्यूटर में, वो सुन लो आप, प्यार से सुनना। मैंने क्यों नहीं छोड़ी, मैंने इसलिए नहीं छोड़ी, जो बंदा मुझे स्टार्टिंग से लेके अब तक ये बोल रहा था कि नाम, जो मेरा अभी तक नाम नहीं डाल रहा, तो मेरे पास क्या प्रूफ होता भाई? आज कन्हैया मित्तल के वहां पे मैं, जो मेरे रो ट्रैक थे, रो फाइलें थी, तो वो तो यूट्यूब को या सीएमएस को दिखा के बोल देता कि ये तो म्यूजिक मैंने तैयार किया भाई, आशीष बागड़ी कौन है? वो मेरे पे केस भी कर सकते थे झूठा। तो वो रो फाइलें मेरे पास होनी जरूरी थी, मैंने क्रिएट की थी, और इसलिए उन्होंने बोला कि रो फाइलें, अगर आज उनके पास रो फाइलें होती ना तो ये जो लाइव है ये मैं बिल्कुल नहीं कर पाता भाई, मेरी बोलती बिल्कुल चुप रहती, मैं कुछ ना कर पाता, इसलिए रो फाइलें मेरे पास थी और उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरा सेठों के सेठ में नाम डाल लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आज का जो लाइव है मैं जवाब दे रहा हूँ उन लोगों के जिनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और कन्हैया मित्तल अपनी जगह सही है तो अच्छी बात है तुम्हारी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ये बताने का कि भाई ये चैटिंग देख लो आज सारी हमारी, मैं कब से बोल रहा हूँ उनको, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, ये रो फाइल की बात आ गई ताकि मेरा चोरी नाम लगा, इसलिए मैं 4-5 महीने चुप रहा भाई, कर सकते थे भाई, मैं क्या करता। अब आ जाओ, अब मेरा पेशेंस देखो भाई, मेरा बात करने का तरीका देखो। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे फोटो ही डाल देता था भाई, हम किसी के साथ काम कर रहे हैं और चार बंदे कोई आए तो वो होता ही ना, मैं फोटो खिंचाए भाई कन्हैया मित्तल का सब, तो मैं फोटो डालता था, तो बड़ी इस चीज की भी प्रॉब्लम हो जाती थी कि यार ये इंस्टाग्राम पे फोटो डालता है, लोग इसको ज्यादा देख रहे हैं, ये वो है। अब मेरा इंस्टाग्राम दिखाऊंगा भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे एक भी फोटो, जिस दिन हमारा ये बात हुई मैंने उस दिन सारी वीडियो और सारी फोटो मैंने आर्चीव कर दी, बंद कर दी। ऐसा अगर मैं होता ना अभी कन्हैया मित्तल के नाम से अगर मैं कुछ शोशाबाजी कर रहा होता तो भाई अब तक पता नहीं क्या होगा था। अगर मेरी जिस बंदे से नहीं बन रही तो मैं ना तो उसकी फोटो लगाऊंगा ना मैं उसका कोई नाम लूंगा, ऐसा नहीं हूं मैं। आज मैं गालियां बक रहा हूं लोगों को स्टेज पे, बुरा बुरा बोल रहा हूं, दूसरे दिन मैं उसके साथ बैठा हूं, फिर मंडल वालों को बदनाम कर रहा हूं कि मंडल वालों ने मुझे कहा था, कंपनियों वालों ने कहा था मुझे, तो के तो उसके बारे में बोल भाई, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं खुद कर रहा हूं और मैं कोई इस बात में दोगला पंती नहीं कर रहा। अब आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं चैटिंग। ये मैंने लिखा है, भैया आपको सारे ट्रैक मेरे पास ही हैं, ये पढ़ो मैसेज आप पहला ना, अगर आप बोलोगे तो मैं सेंड कर दूंगा। इन्होंने खुद ने बोला नहीं चाहिए, ठीक है। और भैया मैं बहुत काम किया है लेकिन कभी किसी के स्टूडियो से ये जो आप बोल रहे हो ना ट्रैक चोरी वाली, ये गलत बात है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है। फिर इसके बाद है, लेकिन किसी के भरोसे का को इंस्टाग्राम के कुछ फॉलोवर अपने के लिए मत बेचा। उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि जो भी उनको लगता था कि जो मैंने जो मेरे बनाए हुए म्यूजिक थे मेरी हार्ड डिस्क में क्यों है वो, ठीक है। आपको मैं एक दो चार बातें और मैं दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जिन मैं उनका जवाब देने आया हूं, जो मुझे बोल रहे थे ना कि मैं आज कैसे आके, मैं भाई आज नहीं है, बहुत टाइम से कह रहा हूं मैं। ये मैसेज देखो कब का है, मंडे का है, 17 अप्रैल का। अब ये देखो मैंने क्या लिख रखा है, भैया ये भजन दोबारा डालो प्लीज, म्यूजिक में मेरा नाम नहीं आशीष बी आना चाहिए, वीडियो में हनी भाई का नाम आ गया, और प्लीज ये थोड़ा आप ध्यान दो, ये आप वाला ही गड़बड़ करता है हमेशा, मैं चेक करता नहीं कोई ना, आगे से तुमको आईडी पासवर्ड दे दूंगा। मैंने कहा भी वीडियो दोबारा नहीं डाल सकता, डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये तो चलो रेणुका पवार ने मिलना था, वो सारा मामला था, ये कोई प्रोग्राम था ये। भैया गुड मॉर्निंग, सेठों का सेठ में डिस्क्रिप्शन में मेरा डाल भाई। ये देखो जो लोग, अब मैं एक सॉरी मैं दोबारा,
जो लोग ये बोल रहे थे ना कि सेटों का सेट में भाई तेरा नाम है तू झूठ बोल रहा है, अब ये मैसेज अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूं तो ये भाई मैंने जून में क्यों मैसेज कर दिया, ये देखो जून का मैसेज है, ये देखो गुड मॉर्निंग भैया सेठों का सेट में वजन में मेरा डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दो आशीष बी और यूपी बोल रहा हूं मैं, ठीक है ये देखो सारे मैंने लिखे हुए हैं, मुझे नहीं पता आपको क्या सोचोगे मैसेज को बट मैंने किया मैसेज क्योंकि लगता है शायद मुझे मैसेज करना चाहिए था, मैंने आपको दिल से काम मैंने आपका दिल से काम किया और उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है भैया, जय श्री श्याम गॉड ब्लेस यू। इन्होंने मुझे बोला आपको 5,5100 रुपये भेजे हैं, मैं कहा नहीं भैया, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा अभी देखा, बोले वाह आप कैसे हो, देखो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ आप कैसे हो, इतने कितने भाई पता ही नहीं लगता तुम्हारे बोलने से पहले भेजे, मैं आपको कॉल करूँगा तो आप उठाओगे क्या, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ ट्रैक ही साफ कर दिए, ये उस बात की बात बोले ट्रैक साफ कर दिए क्योंकि जो मैंने म्यूजिक बनाया, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने मेरे को बड़ा कुछ बोला जिस सीट पे बैठे मालिक बनाया और ये वो, देखो पढ़ लो भाई आप सारे, तुम्हारी गलती नहीं है ठीक है आप सारे पढ़ लो, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है ट्रैक तो मैं अपनी हार्ड डिस्क में ही बनाता था, ठीक है नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आ गई बात कसम से, और भैया जब आपको लगेगा भजन का ट्रैक चाहिए तो मैं भेज दूंगा, देख लो भाइयों मैंने फिर भी बोला, लेकिन उनको सिर्फ ना उनको सिर्फ सच में एक बहाना चाहिए था कैसे ना कैसे करके कि यार ये तो क्रेडिट मांगता है अभी कैसे दूर किया जाए कैसे ना दिया, मैंने ये देखो जून में तब अब नाम डला है सेठों का सेठ में, ठीक है और बड़ा लंबा लाइव हो गया था, तो भाई आज का लाइव मैंने उन लोगों को जवाब दिया जो बोल रहे थे ना कि सेठों का सेठ में आपका नाम है फलाने गाने में आपका नाम है, तो भाई वो नाम एक दो दिन पहले ही डला है और अब मैं आपको वो सारे डाटा, अभी जो गाना नहीं आया जिस गाने के पीछे हमने लड़ाई हुई थी वो गाना था उसका वीडियो दिखाता हूँ, रुको वो कन्हैया मित्तल जी ने रिलीज नहीं किया क्योंकि वो ट्रैक मैंने बनाया था तो हमारा कोई काम भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उस पे मुझे तो बाबा शाम चाहिए मैंने गाना बना दिया, अब मैं आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, ये मेरा इंस्टाग्राम है भाइयों देख लो ठीक है, आप चेक करो बिल्कुल तसल्ली से, जिसको लगे कि मैं बंदा ठीक हूं तो मुझे फॉलो भी कर लेना, इस पे आपको कन्हैया मित्तल की कोई भी फोटो नहीं मिलेगी, ये मेरी माँ है भाई कुछ अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई तू तो हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, भाई मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे पता नहीं नकली साले हिंदू पता नहीं कहां से आ गए, क्योंकि तुम फैलाते हो ये चीजें ठीक है, मैं मेरी मम्मी अब दिखाता हूँ भाई, मेरी मम्मी कितने साल से भगवा पहन के रखती है और हम इतना वो नहीं करते शोशाबाजी नहीं करते, हम दिल से हैं और अभी मैं मेरी मम्मी की फोटो दिखाता हूँ और मेरी मम्मी पिछले 2007 से क्या कर रहे हैं और पिछले 40 साल से क्या कर रहे हैं, अब दिखाता हूँ अब वीडियो देखना मेरे परिवार की, ये मेरी प्यारी माँ है अब सुन लो, ये मेरी माँ है जो बोझे बोल रहे थे ना हिंदू विरोधी हो तुम हिंदू विरोधी, ये मेरी प्यारी माँ है देखो क्या कर रही है मेरी माँ, राम राम लिख रही है राम राम, सुने देखें, और बजरंग बली जी के बालाजी का भजन चल रहा है हमारे घर पे, कितने साल से लिख रही है 2007 से, अरे यार सॉरी बीच में फोन आ गया था, मैं फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ एक मिनट, हाँ देखो भाई जो लोग मुझे कह रहे थे ना तू सलीम की वो बड़ाई कर रहा है और कन्हैया हिंदू है कट्टर हिंदू है, भाई अब देख लो मेरी माँ है ये, मैं इस माँ का बेटा हूँ भाई, देखो मेरी प्यारी माँ क्या कर रही है, माँ कितने साल से लिख रही है, मैं 2007 से लिख रही हूँ, 2007 से, कितने पर्चे भर दिए ये, ये कोई पता ही कोई नहीं, अनंगित कापियाँ अनंगित पर्चे पहले पर्चे ले कर दे ई व्यू कापियाँ ले आने लगी हूँ मैं, चलो लाइव लंबा हो जाएगा, वैसे तो मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ आए थे चमचे कुछ आए थे जो ये बोल रहे थे मेरे को कि भाई तू हिंदू है फलाना है, हमने हिंदू नहीं है तो सलीम की वो कर रहा है, अरे भाई मेरे को जरूरत नहीं है
तुम जैसे लोगों के मुंह लगने की। मैं अपने हक के लिए बोल रहा था कि भाई कन्हैया मित्तल ने मेरे साथ गलत किया है, मैंने बहुत मेहनत की है ट्रैकों पे, 5-5 बार 10-10 बार किया है। और ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे सारे देख लेना, बाबा शाम के भजन मिलेंगे, भोलेनाथ जी के भजन मिलेंगे, ठीक है। और सलीम जी को मैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर या एज ए, मैं तो बालक हूँ अभी, कुछ नहीं हूँ, तब भी मैंने कन्हैया मित्तल को कभी नहीं सलीम के बारे में ऐसा बोला कि उनके बारे में क्यों, भाई तुम्हारी अपसरी की बात है करो। लेकिन जब भी सलीम जी को भी पता था कि मैं उनका म्यूजिक कन्हैया मित्तल का म्यूजिक बनाता हूँ, आज तक सलीम जी ने मेरे को नहीं बोला कि क्यों म्यूजिक बनाता है उसका, क्यों उसके पास रहता है। मैं कसम खा रहा हूँ, आज तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। चलो अब दिखाता हूँ मैं, अब मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो भाई, एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी कन्हैया मित्तल के साथ मेरी। कई लोगों को लग रहा था ना कि कन्हैया मित्तल का, ये देखो ये सारे मेरे धार्मिक की चीजें मिलेंगी आपको, ये श्री राम जी की, ये बाबा श्याम जी की, ठीक है। मैं बॉलीवुड से अगर धार्मिक बनाऊं ना, अभी मैं आपको कुछ दिखाया हूँ, अभी आपको कुछ दिखाता हूँ कि कन्हैया मित्तल के पोस्ट ही मैंने हटा दिए थे भाई। और मेरे सॉरी मैं वो भजन दिखा रहा हूँ, सॉरी, कि जो पाकिस्तानी कंपोजिशन पे था, अब दिखाता हूँ, और वो कंपोजिशन भी मैं सुना दूंगा, ठीक है। अब और इसके बाद मैं खत्म करूंगा, लाइव लंबा हो जाएगा। और एक पर जब कन्हैया मित्तल का स्टूडियो बना था ना, तो ये उस पे आया था कि गरीब बच्चों के लिए वो स्टूडियो बनाए और जिनके पास पैसे नहीं होते उनकी मदद करेंगे। मैं आशीष बागड़ी अगले लाइव में एक ऐसा लाइव करूंगा, मैं जितने भी राइटर हैं उनको अच्छे सिंगरों से मिलाऊंगा, जितने भी अच्छे सिंगर हैं उनको राइटरों से मिलाऊंगा। अगर वो एक दूसरे का कुछ, किसी को भजन या कुछ पसंद आता है तो उनको मैं मिलवाऊंगा, उनके साथ काम करवाऊंगा। अगर एक दूसरे का उनको पसंद नहीं आता, कुछ राइटर हैं कुछ सिंगर हैं, मैं आज प्रॉमिस करता हूँ मेरे लाइव पे, अभी मेरे पास स्टूडियो नहीं है मेरा, मैं अपने लैपटॉप पे काम करता हूँ, स्टूडियो हायर करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले महीने से मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडियो ऐसा बनाऊं। और जितने भी राइटर हैं जिनको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मेरा लाइव हमेशा के लिए सेव करना, जिनके पास पैसे नहीं है उन राइटरों का मैं म्यूजिक बनाऊंगा, दो दो भजन तो पक्का। जिन सिंगरों के पास ऐसा नहीं है, ये कन्हैया मित्तल ने बोला था, मेरे पास सारे लाइव पड़े हैं, ये अगले लाइव पे मैं दिखाऊंगा कि ये स्टूडियो तो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए बना है। अब मैं बोलता हूँ ये बात, आशीष बागड़ी आपका भाई बोलता है, जितने भी सिंगर हैं उनके दो दो भजन तो मैं करूंगा, बिल्कुल एक रुपया भी नहीं लूंगा। जिस दिन मेरा स्टूडियो बन जाएगा अच्छे से, उस दिन के बाद मैं मेरी गारंटी लेता हूँ, मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ, मैं करूंगा। जिनके पास सच में अगर अच्छा आर्टिस्ट है और शाम जगत में कुछ करना चाहता है, धार्मिक कुछ करना चाहता है, तो भाई मेरी तरफ से पूरी छूट है उन भाइयों को। और वैसे तो बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे सिंगरों के भी फोन आए हैं काम के लिए। अब ये भजन सुनो भाई, ये सुनो, मैं एक बात बताऊं क्या, मेरे को दुख होता है, मैं पुरानी फोटो या वीडियो देखता हूँ, बताऊं क्यों दुख होता है, क्योंकि मैसेज भी शायद मेरे पास पड़े हैं, मैंने उनको लिखा भी था कि भैया मैंने आपके साथ जो पल बिताए ना वो मुझे याद आते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है मैं फोटो या वीडियो देखता हूँ ना, मेरी आत्मा रोती है अंदर से, क्योंकि मैं सच्चे दिल से उनके साथ जुड़ा होता हूँ, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। ये गाना पाकिस्तानी कंपोजिशन पे है, अफसाना खान ने गाया है, और जब मैंने उनके साथ काम करना छोड़ दिया तो मेरा म्यूजिक बनाया, वो भी मैंने इस पे अपना भजन भी बनाया, मेरे को बड़ा दुख होता था। अभी भी मैं फोटोएं जब देखता हूँ ना मेरी और कन्हैया मित्तल की, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा मतलब अंदर से मुझे बहुत बुरा फील होता है। लेकिन बंदे ने मेरे को ही बोल दिया, भाई तेरे से जो होता है वो कर ले, मतलब मेरी आत्मा रोती है जब मैं पुरानी फोटो देख लेता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल बंदा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ये लाइव लूव ये पंगों में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी में आके बोल रहा हूँ। और आज के जो भी मैंने सारे दिखाए हैं तो बड़ा इसलिए कि लोगों को ये लग रहा था कि सेठों का सेठ में मेरा नाम है। अभी जो नाम डले ना वो कल परसों से डले, मैंने सारे स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा दिए, पहले नाम नहीं था। और अब ये लाइव बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लंबा हो गया है, और आज का लाइव इसीलिए था कि मैंने सारे सबूत दिखाए हैं, और मैंने बेफालतू में बदनाम नहीं किया। और रही बात आगे की, तो देखते हैं क्या होता है। कन्हैया मित्तल का जब स्टूडियो बना था तो मेरी और कन्हैया मित्तल की यही बात होती थी, हुई थी कि जो ये स्टूडियो बनाए इसको गरीब बच्चों को हम स्टूडियो में लाएंगे और उनको फ्री में प्रोजेक्ट करेंगे, और मैंने भी हाँ भरी थी कि मैं करूँगा। लेकिन अब वहाँ पे तो पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, 8 महीने से
कोई गरीब बच्चा आया नहीं आया, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जितने भी भाई हैं, जितने भी राइटर हैं, क्योंकि मैं एक स्तर से जमीन से उठा हुआ हूँ, मुझे पता है आगे कैसे आते हैं, कोई सहारा नहीं होता भाई। मैं अगर थोड़ा बहुत म्यूजिक करता हूँ ना, अगर मेरी किसी को भी जरूरत पड़ती है ना, अगर अच्छा राइटर है कोई, या जिसका जो अपनी लेखनी को सामने लाना चाहता है, या कोई सिंगर है, तो भाई मैं आपका भाई आशीष बागड़ी आपसे प्रॉमिस करता है भाई, एक बार मुझे याद जरूर करना। दो भजन तो मैं कम से कम आपके करूंगा करूंगा, और जिस दिन मेरा खुद का स्टूडियो बन जाएगा, मेरी प्लानिंग चल रही है अभी चंडीगढ़ में ही अपना स्टूडियो बनाने की, बाबा श्याम कुछ ऐसा कर दें और थोड़ा बहुत, फिर मैं आप लोगों के लिए तैयार खड़ा होऊंगा। और जिन लोगों का सिस्टम सही है भाई, उनसे तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, क्योंकि बिजनेस भी है, काम भी है। कुछ कोई काम मैं झूठ बोल के नहीं करूंगा कि भाई मैं तो धर्म के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो बस थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, जय श्री श्याम। और बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, और बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को सही भी बोला, और ये लाइव आज का यही था कि मैंने उनको सबूत दिखाया कि सेठों का सेठ में मेरा पहले नाम थी ना, अब डल गया है। और 5 से 7 गाने और थे जिनमें मेरा अभी तक नाम नहीं है, और मिलेंगे जल्दी ही, बस अपनी दुआ देना मुझे। और मैं और कोई गलत बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले के लाइव में मैं थोड़ा फ्लो में आ गया था, थोड़ा मुझे लग रहा था, मैंने जब मेरा लाइव सुना था, मुझे लग रहा था कि यार शायद मैं कहीं ना कहीं बदतमीज हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गुस्से में आ रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैं अगर हाइपर हुआ हुआ हूँ तो, या मेरे से कुछ गलत निकल, मैं बचा हूँ अभी, लेकिन मेरे हक के लिए मैंने कोई भी बात बोली है, मैंने कन्हैया मित्तल के लिए जो भी कंटेंट बनाए, को जो भी भजन बनाए, मैंने सच में दिल से मैंने मेहनत की थी, लेकिन बंदा ने मेरे को साफ ही बोल दिया कि तेरे से जो होता है वो कर ले भाई। तो मेरे से तो भाई पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, और 2-4 बातें मैंने और भी पिछले लाइव में बोली थी, वो मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो वो मैंने इसलिए बताया कि यार जिन बंदों को मैं ठीक लगूँ ना, फिर मैं वो कोई भी हूँ, मेरा साथ तो देंगे देंगे। अब मैंने आपको दिखा दिया है, सारी चैटिंग पढ़वा दी है, और मेरा बात करने का तरीका भी बता दिया है कि ऑलरेडी मैं 5-6 महीने से बोल रहा हूँ, मेरा गाने में नाम डाल दो, गाने में नाम डाल दो, मेरी मेहनत है भैया, मेरी मेहनत है। बंदे ने कोई गौर नहीं किया, अब सेठों के सेठ में नाम डल गया, और उनके फॉलोवर मुझे बोल रहे हैं तू झूठा है, सेठों का सेठ में तेरा नाम है, उसमें नाम है। भाई मेरा नाम तभी है ना जब मैंने काम किया, और ये नाम मैंने स्क्रीनशॉट वो दिखा दिए, पहले नाम नहीं था। चलो थैंक यू सो मच एक बार मैं आप लोगों से, और अभी बहुत सारे लाइव मैं करता रहूँगा, लाइव आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि मैं हर लाइव में बहुत सारी बातें नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारी बातें धीरे धीरे खुल के आएंगी, और ऐसे ही आप जुड़े रहना। और मैंने, मेरे को दुख भी है जो आज ये लाइव जो चल रहे हैं, मैं इधर से बोल रहा हूँ, दुख होता है मुझे, मैं पुरानी कोई फोटो देखता हूँ या वीडियो देखता हूँ भैया के साथ, लेकिन मेरा सच में दिल दुखाया उन्होंने, मैंने बड़ी मेहनत की थी उनके भजनों पे, उनके साथ मैंने कभी भी पैसे का कोई इतना वो नहीं समझा, मैंने मेरे काम छोड़े हैं कसम से। मैं श्याम जगत के सारे सिंगरों से दूर हो गया था जब मैं कन्हैया मित्तल के म्यूजिक करता था, और ना मेरे को करने भी नहीं देते थे। अब वो मेरा पहले वाला लाइव देख के ना, इतने सारे सिंगरों के फोन आए, इतने सारे कंपनियों के फोन आए हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो आपको ढूंढ रहे थे 3-4 साल से, और 3-4 साल से ढूंढ रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि ये है कौन बंदा, और उनने कहीं ना कहीं संपर्क किया, तो वो बोले भाई ये तो बंदा बॉम्बे का है। ठीक है, मैं बॉम्बे से अभी 2 साल हुए मुझे आए को, श्याम जगत में मैंने हेमंत ब्रिजवासी का किया, और बहुत सारे अंजलि द्विवेदी जी का किया, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यार आप किसी का भी प्रचार करो, आप किसी को भी वोट दो, आप बीजेपी को वोट दो, आप कांग्रेस को दो, आम आदमी को पार्टी को दो, भाई मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है यार, आप किसी को भी वोट दो, लेकिन श्याम बाबा को प्यार करने वाले होने चाहिए। देखो वोट या राजनीति की वो अलग चीज है, मैंने आज तक भैया को नहीं कहा आप राजनीति करते हो, ये करते हो, वो करते हो, फलाना करते हो, दिखड़े हो, आप करो भाई, आपका दिल अगर वहां पे मान रहा है तो करो, मेरा दिल जहां पे मानेगा, लेकिन मेरा काम म्यूजिक करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज भी मुझे अगर कोई बीजेपी का बंदा बोलेगा ना कि भाई मेरे 50 गाने बना दे, मैं बना दूंगा भाई, मेरा काम है ये। मुझे आम आदमी पार्टी का बंदा बोलेगा मैं बना दूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं बोल पाऊंगा किसी के। अगर मुझे कोई कहेगा ना भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के बीजेपी के बारे में गलत बोल दे भाई, गाना बना दे, वो मेरे से नहीं होगा। तारीफ करवा लो जितनी हो सकती है, मैं तारीफ कर दूंगा आपकी, और बीजेपी हो गए यार, जो भी जितने भी लोग हैं वो सभी, मैं तो सिर्फ श्याम जगत के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ जो धार्मिक लोग हैं, और अपने काम को मैं करना चाहता हूँ बस। आज के लाइव में मैं आपको दिखा दिया कि सेठों का सेठ में मेरा पहले नाम थी ना, अब डला है, और जितने भी
बाकी के अगले लाइव में मैं जरूर और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे अगर सुधर रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आएगी तो फिर बहुत कुछ बाकी है। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय श्री श्याम, जय श्री राम। मिलते हैं और ऐसे ही आप अपना साथ मुझे देते रहना, मुझे आशीर्वाद देना, मैं कुछ अच्छा कर दाऊंगा। बहुत सारी कंपनियों के फोन आए मेरे पास, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई तेरे बारे में तो ये होता था कि अगर आशीष को आप काम दोगे तो फलाना फलाना बंदा आपको गाना नहीं देगा। ये सारी बातें अगले लाइव में मैं आपको बताऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं शो करूंगा, क्योंकि कंपनियों का नाम शो करना अच्छी बात नहीं है, सिंगरों का नाम शो करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बातें क्या हैं। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे अभी भी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, मैं सिर्फ अपने क्रेडिट के लिए लड़ाई कर रहा, लड़ाई भी नहीं है, ये मेरा हक था। और अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि शाम जगत में सभी मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भाई हैं, और मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि भी सबके मैं काम खोस लूं या सबका मैं ऐसा काम कर दूं कि भाई मैं बिल्कुल ही ऐसा रेट कर दूं कि मेरे दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर भाई भी उनके पास भी ना काम है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, जब मैं शाम जगत में आया था तो कन्हैया मित्तल से मेरी ये बात हुई थी, ये स्टूडियो जो बन रहा है गरीब बच्चों के लिए बन रहा है और ऐसे लोगों के लिए बन रहा है जो इस शाम जगत में आना चाहते हैं, जो अपना कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने तो अभी तक तो भाई कुछ किया नहीं। मैं आपका आशीष भाई, कोई भी बंदा, कोई भी सिंगर है, कोई आपकी नजर में है तो भाई एक बार आशीष भाई को याद करना यार, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और बाकी बहुत सारे लोग हैं पैसे देने वाले भी, उनका भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं माफी चाहता हूं अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो। थैंक यू, आप बहुत प्यारे हैं। अगर किसी को डाउट है तो बस मुझे गाली देने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेना यार, प्लीज, बस इतना ही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत प्यारे लोग हैं। अगर आपको लगेगा कि आशीष बंदा ठीक है तो बस मुझे आशीर्वाद दे देना यार, और कुछ नहीं है। मिलते हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों की कृपा से चंडीगढ़ में ही मैं अपने उधर एक स्टूडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे बाबा कुछ देंगे मुझे थोड़ा बहुत, जैसे जैसे काम आएगा स्टूडियो बनाऊंगा, और सब लोगों का वेलकम है वहां पे। बहुत काम करना है अभी, बहुत लोगों को शाम जगत में लाना है, माता रानी की भेंटें करनी है, गुरबाणियां भी करनी है, मैं सब करूंगा, ठीक है। और कोई आपकी रिश्तेदारी में, कोई आपके लिंक में भी हो तो सबके साथ आप काम करेंगे। थैंक यू सो मच, ये मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि इस लाइन से ही मैं जुड़ा था उनके साथ कि भाई गरीब बच्चों के साथ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। मैं करूँगा भाई, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ, मैं किसी के भी काम आ सकूँगा तो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। अगले लाइन में मैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और अच्छी बातें आपको बताऊँगा, क्योंकि राज बहुत बड़े बड़े राज है, बहुत बड़े बड़े राज हैं। आज मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ या किसी के बारे में सुन सकूं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो हिंदू मुस्लिम सिंगरों को, मुस्लिम को ना बुलाओ, वो बात आ जाती है। वो आज के लाइव में नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा ड्रिंक का भी जिक्र चल रहा था कि सलीम का पापा ड्रिंक पीता है, ये पीता है। अगले लाइव में कुछ अच्छा ही आपको मैं दिखाऊंगा और मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री श्याम। अपना आशीर्वाद मुझे देते रहना। थैंक यू।